नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। भारत और श्रीलंका के बीच में T20 सीरीज हुई, 2-1 से भारत को ये सीरीज गंवानी पड़ी, लेकिन इसी के साथ एक रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम हो गया और ये रिकॉर्ड शायद ही शिखर धवन कभी अपनी जिंदगी में दोबारा इसी को याद करेंगे, इस रिकॉर्ड को याद करेंगे। रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें तो शिखर धवन भारत की कप्तानी करते हुए पहली बार ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में भारत की कप्तानी की और सीरीज हार गए। जानकारी हम आपको दे दें, इतिहास के बारे में जानकारी दें तो सहवाग को 2006 में साउथ अफ्रीका की सीरीज के खिलाफ कप्तान बनाया गया था और सहवाग ने ये सीरीज अपने नाम की थी। इसके बाद 2007 में महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कप्तान बने और इतिहास गवाया कि भारत ने T20 विश्व कप अपने नाम किया था 2007 में। साथ ही साथ 2010 में सुरेश रैना को कप्तान बनाया गया, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने सीरीज खेली और सुरेश रैना ने अपने नाम ये सीरीज की थी। 2015 में रहाणे को जिम्बाब्वे के खिलाफ कप्तान बनाया गया और सीरीज 1-1 से बराबरी पर रुकी थी, लेकिन रहाणे भी सीरीज नहीं हारे थे। और 2017 में भारतीय टीम के अब जो कप्तान है विराट कोहली, उन्हें कप्तान बनाया गया और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सीरीज जीत करके एक रिकॉर्ड भी बनाया था और इतिहास भी बनाया था। और 2017 में ही श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया और रोहित शर्मा भी सीरीज जीते थे, लेकिन अब शिखर धवन पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं जिन्होंने पहली बार कप्तानी करते हुए T20 इंटरनेशनल सीरीज में अब भारत को हार झेलनी पड़ी है। ये बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम अब दर्ज हो गया है। तो आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या भारत इस सीरीज को जीत सकता था ये हमें जरूर बताएं। कुणाल पांड्या के पॉजिटिव होने के बाद भारत सीरीज आ रहा, ये हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक करें और तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।